हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है ये राजस्थान पुलिस में जो कांस्टेबल सामान्य और कांस्टेबल चालक की जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, और जिसका कि 20 तारीख को ऑनलाइन अप्लाई शुरू होना था, बट उसमें कुछ देरी होते हुए आज 23 तारीख से इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँ कि आप कैसे इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, राजस्थान कांस्टेबल में 5000 कांस्टेबल सामान्य और कांस्टेबल चालकों की भर्ती निकली हुई। यदि आप 8वीं पास है, मात्र 8th पास है, हाई स्कूल पास है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल सामान्य के लिए, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। बट यदि कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास LMV और HMV का जो है लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ओनली यदि आप कांस्टेबल सामान्य के लिए सिर्फ 8th और 10th पास आप होने चाहिए। तो यदि आप 8वीं पास है, 10वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी, ऑल ओवर इंडिया से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरा आज का वीडियो देखिए और आप लोग भी इसके लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और अप्लाई करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग के पास एक फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप लोग पास होना चाहिए। फोटो जो होना चाहिए वो 100 से 50 KB के बीच का होना चाहिए और सिग्नेचर जो है 50 से 20 KB के बीच का होना चाहिए, जो आप लोग अपने मोबाइल लैपटॉप में पहले से रख लें, ठीक है, ताकि अप्लाई करने में प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम चलते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान SSO ID, यानी कि आपके पास राजस्थान की वेबसाइट SSO ID आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और यदि आप लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को SSO ID बनाना है। यदि आप लोगों का SSO ID बना हुआ है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सीधे लॉगिन के बटन यहाँ पे क्लिक कर देना। मैं आप लोग बता दूँ, इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यदि डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके नहीं आना चाहते तो SSO.rajasthan.gov.in पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यदि आपने पहले राजस्थान में सबॉर्डिनेट की कोई एग्जाम वगैरह दिए हुए SSO ID बनाया हुआ तो सीधे आप यहाँ पे अपना जो भी SSO ID है वो यहाँ पे लिख देंगे, पासवर्ड लिख देंगे। पासवर्ड लिखने के बाद ये जो कैप्चा है, कैप्चा डाल के आप यहाँ से सीधे लॉगिन कर लेंगे। बट यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे आप लोगों को क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, सिटीजन, उद्योग, एम्प्लॉई, जन्म सताना, बैमास, आधार, फेसबुक, गूगल। तो आप जिसके थ्रू अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक से कर सकते हैं, आधार पे क्लिक करके आधार नंबर देके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, SSO ID प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं गूगल से करके दिखाऊंगा, क्योंकि गूगल से करने से फायदा ये होगा कि मेरा जो जीमेल का पासवर्ड है मैं उसे याद रखता हूँ, तो इसका भी मुझे पासवर्ड हमेशा ध्यान रहेगा, ठीक है। तो मैं गूगल पे क्लिक करके इस पर अप्लाई करता हूँ, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे पास दो अकाउंट है, तो मैं अपने जिस अकाउंट से करना चाहता हूँ उस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। आपका एक अकाउंट होगा तो आपका वो ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पहुंच जाएंगे। आपको यहाँ पे जो एंटर देना, पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए आपके पास जो दो ऑप्शन ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है नीचे सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है SSO Rajasthan Board Registered पे आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए लिंक पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये पेज ओपन हो गया, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड जो है ये अल्फाबेट, ओनली अल्फाबेट होने चाहिए, या फिर डिजिट 0123 एंड डॉट वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 से 20 कैरेक्टर का, यानी कि 5 से 20 कैरेक्टर का, जैसे कि मैंने अपना बना दिया MUKESH1, इसी प्रकार से 5 शब्द होने चाहिए कैरेक्टर, फिर वही पासवर्ड आप यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। तो इस चीज को बनाइए। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपको सीधे सीधे रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो, एस आपका जो है SSO नंबर आपको दे दिया गया, ये अमित वर्मा, ठीक है। और यहाँ पे आप आपको ओके कर देना, ठीक है। तो अब हमें अपना पासवर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके तुरंत बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोग को यहाँ पे अपना लॉगिन और पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग अपना ईमेल आईडी पे जाना, जहाँ भी आपका ईमेल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको मैसेज आया पड़ेगा, ठीक है। मैसेज पे आप लोग को क्लिक कर देना, ठीक है। देखिए मैसेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम, यानी कि SSO ID आपकी बन चुकी है, और आपको एक पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे दे दिया, ठीक है। SSO ID और पासवर्ड आपको मिल चुका है। अब आप लोगों को पीछे बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपका जो भी SSO ID है, ठीक है, वो SSO ID आप यहाँ पे डाल देंगे, और जो भी पासवर्ड था आपका वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद आप लोगों को जो एक कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा यहाँ पे आप लोगों को डालना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ से सीधे सीधे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आपका एक मैसेज जो है मोबाइल पे भी आया होगा, ठीक है। एक लिंक आई होगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो आपका आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम लोग लॉगिन कर देंगे।
तो फ्रेंड्स इसके तुरंत बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आपका जो SSO ID जो बन के आया है वो यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। आपका नाम यहाँ पे दिखा देगा, लास्ट नेम और डिस्प्ले नेम में आप आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे शो कर देगा। इसी प्रकार से आपका जो जेंडर है वो भी आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह, ठीक है, सब कुछ अपना यहाँ पे आ जाएगा। टेलीफोन नंबर कोई है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई भी। अब यहाँ पे आपको अपना पोस्टल ऑर्डर डाल, पोस्टल एड्रेस डाल देना, ठीक है। जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है, जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके अलावा जो स्टेट है आपका स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद आप इसे रहने दीजिए, ठीक है। आधार ID वगैरह है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ओल्ड SSO ID कुछ है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे रहने दीजिए, ठीक है। इंतजार, इसके बाद सीधे आपको कुछ नहीं करना, सीधे आप लोगों को अपडेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट प्रोफाइल, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, योर SSO प्रोफाइल अपडेट है, नोटिफिकेशन है भी सेंड योर SMS और ईमेल, ठीक है। यहाँ पे ओके पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, एक मैसेज आपके मोबाइल पे भी आ चुका होगा अपडेट का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी SSO राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट अब ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट पोर्टल आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे रिक्रूटमेंट पोर्टल 1 है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्टेप 2 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्टेप 2 पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स इसके तुरंत बाद आप लोग देखेंगे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल का जो है ये वेब पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अब आप इसमें ये देखेंगे जो भी आपकी रिक्रूटमेंट चल रही होगी, ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट, ठीक है, यहाँ पे शो करने लगा, जैसे कि रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट 2019, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखेंगे आप लोग इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेबल जनरल नॉन TSP एरिया, ठीक है, कॉन्स्टेबल जनरल TSP एरिया, कॉन्स्टेबल ड्राइवर नॉन TSP और कॉन्स्टेबल ड्राइवर TSP, ठीक है। तो यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको नॉन TSP जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, और आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ड्राइवर के लिए करना चाहते हैं, कॉन्स्टेबल जनरल के लिए, आप उसको यहाँ से क्लिक करेंगे, ठीक है। सारा का सारा प्रोसेस एक ही है। और मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको TSP नॉन TSP किसी चीज का कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पे कॉन्स्टेबल जनरल नॉन TSP पे ही क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि TSP नॉन TSP सिर्फ ओनली राजस्थान वालों के लिए, और अदर स्टेट वाले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल में काउंट होंगे, उनको किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो कॉन्स्टेबल जनरल नॉन TSP करूंगा ताकि सभी लोग फॉर्म को भरना सीख सकें, ओके। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अब आप लोग को यहाँ पे बेसिक डिटेल देनी है, इसके बाद पर्सनल डिटेल, इसके बाद क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर वगैरह, ठीक है। तो अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो नाम दे देंगे, ठीक है, जो भी आपके फादर का नाम है फादर का नाम दे देंगे, जो भी आपकी मदर का नाम है मदर का नाम दे दूंगा। तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि फादर के नेम के आगे आप किसी प्रकार का श्री मिस्टर लेट वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है। मदर के नेम के आगे किसी प्रकार श्रीमती कुमारी वगैरह कोई भी चीज ऐसी नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, नीचे आने के बाद जो भी आपका लिंक है, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। मैं मेल हूँ तो मेल क्लियर कर दूंगा। इसके बाद जो भी आपकी जन्मतिथि है वो जन्मतिथि आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जन्मतिथि जो भी है आपकी वो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और इसके बाद देखिए आपकी जो एज है वो यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। इसके बाद जो श्रेणी जिस श्रेणी में आप लोग आते हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है, MBC क्रीमी लेयर, OBC क्रीमी लेयर, SC ST सहरियाज वगैरह, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप अदर स्टेट से तो आपको जनरल ही भरना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो वैसे भी जनरल में हूँ तो यहाँ पर जनरल ही डालूंगा, ठीक है। आप जो भी हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए, यदि आप यहाँ पर जनरल डालेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाएगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि EWS। यदि आप EWS से आते हैं, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा यस और नो, ठीक है। यदि नहीं आते तो नो, यदि आते हैं तो आपको यस करना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से नहीं आते तो यहाँ सीधे से नो कर दीजिए। नो करने के बाद अब आप लोग को यहाँ पे धर्म डालना पड़ेगा, जी, ठीक है, जो भी आपका धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, सिख। तो मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू डाल दूंगा, आप जो भी हैं वो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग को वैवाहिक स्थिति यहाँ पे डालनी है, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, विडो है, ठीक है, डिवोर्स्ड है, ठीक है। तो जो भी आप डाल दीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पे मैरिड डाल दूंगा, अनमैरिड, मैं मैरिड डाल देता हूँ, ठीक है। आप जो भी हैं यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यदि आप सिंगल है तो आप सिंगल भी डाल सकते हैं, तो सिंगल मींस हो गया कि आप अनमैरिड, ठीक है। और इसके बाद देखिए जीवित बालक बालिका की पहले पैदा हुए, तो ठीक है, जब आपने सिंगल डाल दिया तो यहाँ पे बच्चों की संख्या देने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप 0-0 कर देंगे, ठीक है। और यदि आप यहाँ पे मैरिड लिखते हैं तो यहाँ पे अगर बच्चे हैं तो आप बच्चों की संख्या यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को जो भी अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना, ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद कोई वैकल्पिक मोबाइल नंबर है तो दे दीजिए, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद ईमेल आईडी अपने आप यहाँ पे आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आधार आईडी, यदि आपका आधार आईडी है तो आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे, और इसके बाद आपका भैमास यहाँ पे है तो आईडी वगैरह है तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाइंग फॉर आवेदन, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप
किस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जहां भी जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जयपुर, मैं यहाँ पे जयपुर सिलेक्ट करूंगा। जयपुर किधर है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अजमेर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से देख लेंगे, मतलब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। और इसके बाद देखिए, आप लोगों को अपना जो है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे भरना है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी है, तो लाइन वन में आपको अपना जो भी एड्रेस पूरा पूरा भर देना है, ठीक है। और यदि लाइन वन में ना आए तो लाइन टू में भर देंगे, अगर लाइन टू में भी ना आए तो लाइन थ्री में भर देंगे, ठीक है। और यदि लाइन वन में आ जाए तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भर देंगे। इसके बाद जो आपका राज्य है वो राज्य यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो भी राज्य, ठीक है, आप राजस्थान से हैं, अदर स्टेट से जहां से हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो जिला है, ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। जो भी है आपका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, राजस्थान के अंदर है चाहे राजस्थान के बाहर हो। और इसके बाद जो भी आपके गांव का नेम है आप गांव का नेम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपका जो पिन कोड है पिन कोड डाल देंगे। और इसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है, कोई और मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पे आप लोग को नीचे आना है, तो नीचे मैं आप लोग को बता दूं, ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस था जो पत्राचार के लिए होता है, नीचे होता है परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता, परमानेंट मतलब कि मूल पता यानी कि मूल निवास का पता, जहां पे आप लोग के मम्मी पापा वगैरह, मतलब जहां पे भी कोई एड्रेस, जहां पे कोई लेटर वगैरह भेजा जाए तो आपको परमानेंट वहां पे प्राप्त हो जाए, ठीक है, परमानेंट एड्रेस। और यदि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप लोगों को सीधे सीधे यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यदि एक नहीं है तो आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे और इसे भी पूरा उसी तरीके से भरेंगे, ठीक है, पहले लाइन में एड्रेस, दूसरे में एड्रेस, ठीक है, राज्य जिला जो भी है उसी तरीके से चुनेंगे। और यदि कॉरेस्पॉन्डेंस पत्र पत्राचार का पता और स्थायी पता एक ही है तो सीधे सीधे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग को नीचे आना है, एड्रेस साफ साफ भरिएगा, ठीक ठीक भरिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। और फॉर्म को आराम से फिल कीजिएगा, वीडियो को एक बार देखिएगा, दो बार देखिएगा, ना समझ में आए तो तीन बार देखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को सीधे सीधे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए आप लोग को यहाँ पे पर्सनल डिटेल देनी है, ठीक है। पर्सनल डिटेल में आप लोग को बता दूं यहाँ पे क्या है, आप लोग को अपना जो भी डोमिसाइल, ठीक है, नेशनलिटी क्या है, सबसे पहले इंडियन है, भूटानी है, नेपाली है, जो भी आप डाल देंगे, मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडियन डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद गृह राज्य कौन सा आपका, स्टेट कौन सा है, ठीक है, स्टेट जो भी है आपका डाल दीजिए, राजस्थान है तो राजस्थान डाल दीजिए, ठीक है, मेरा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश डालता हूँ, आपका जो है यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। होम डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट जिला जो है वो डाल दीजिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना जिला डाल दीजिए, आप भी उसी प्रकार से अपना जिला डाल देंगे, ठीक है। जिला डालने के बाद होम ब्लॉक गृह ब्लॉक कौन सा है आपका, ठीक है, यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तहसील कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, मैंने अदर स्टेट से डाला इसलिए मेरा रानिया जो भी आपका हुआ यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। विलेज जो है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और सेलेक्ट इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, क्या आप अदर कंट्री से यहाँ पूर्व स्थापित है यानी कि अदर कंट्री से आए हैं आप, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यस, नहीं तो नो, ठीक है, मैं नो करूंगा, मैं इंडिया नहीं हूँ, ठीक है। और फ्रॉम विच कंट्री, तो यदि आप यस करेंगे तो यहाँ पे कंट्री का नाम देना पड़ेगा, आप पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, भूटान से हैं, जहाँ से भी हैं, ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। अगर यदि इंडियन है तो यहाँ नो रहने देंगे। इसके बाद आप लोगों को विशेष श्रेणी, विशेष श्रेणी में आर यू एक्स सर्विस मैन, क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं, तो यहाँ पे यस और नो करेंगे। यदि आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आप यस कर देंगे, ठीक है। यस करने के बाद आपको सर्विस स्टेटस यानी कि आपको यहाँ पे सर्विस स्टेटस देना पड़ेगा कब से कब तक, ठीक है, आप इन सर्विस एंड एनओसी टेकन या रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, अभी आप सर्विस में हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और सर्विस किसके अंडर में, ठीक है, आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के अंदर, जो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यदि आप एक्स सर्विस मैन नहीं है तो सीधे सीधे नो कर देंगे, आप लोग को यहाँ पे कुछ भी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार से क्या आप एनसीसी कैडेट हैं, तो यहाँ पे यस एंड नो करेंगे, ठीक है। यदि आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको ये डेट डालनी पड़ेगी कब से कब तक, ठीक है, एनसीसी कैडेट ड्यूरेशन लिखनी पड़ेगी, कितने मंथ के लिए, ठीक है, 12 मंथ 24 मंथ जो भी है, ठीक है। और एनसीसी सर्टिफिकेट टाइप जो होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। यदि आप एनसीसी नहीं है तो सीधे सीधे आप नो कर देंगे, आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, क्या आप गृह रक्षक हैं, ठीक है, यदि हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। मेरा ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। अगर आप होम गार्ड हैं तो आप लोग को वही डेट देनी पड़ेगी कब से कब तक है, और होम गार्ड वॉल्टरी ड्यूरेशन कितनी थी वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं होम गार्ड नहीं हूं तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, आप हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, और सॉरी मैं नो करूंगा, ठीक है। आप यदि हैं तो यस करके डेट डाल देंगे, ठीक है। और आर यू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, क्या आप मौजूदा सरकार के स्थायी कर्मचारी यानी कि परमानेंट कर्मचारी हैं, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। यस करने के बाद आपको अपने विभाग का नाम देना पड़ेगा, किस पोस्ट पे हैं, ठीक है, चाहे आप कॉन्स्टेबल की पोस्ट पे हो, ड्राइवर की पोस्ट में, जिस भी पोस्ट में हो, ठीक है, कलर की पोस्ट में आप लोग डालेंगे, ठीक है।
और क्या आपने एनओसी प्राप्त कर लिया है, और एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि आप जिस भी विभाग में काम कर रहे हैं इस वक्त ईसाई कर्मचारी हैं उस विभाग के ऑफिसर से आपको जो है एक एनओसी लेना पड़ता है, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी और पोस्ट के लिए कहीं और अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो आपने मतलब कि एनओसी प्राप्त की है, यस और नो यहाँ पे कर देंगे, प्राप्त की है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है, यस करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं मौजूदा सरकार का स्थायी कर्मचारी नहीं हूं तो मैं नो कर दूंगा, ठीक है। फिर आपको एनओसी नंबर भी देना पड़ता है यदि यस करते हैं तो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसके बाद बारी आती है कि आपके परिवार की आय 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है, मैं नो कर रहा हूँ। आप अगर आपकी 2.5 लाख से कम है परिवार की आय तो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ये सालाना आय होती है, ईयरली होती है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है कि आपके पास पुलिस से संबंधित विशेष डिग्री या डिप्लोमा है, अगर पुलिस से संबंधित कोई आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है तो यस कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। मेरे पे कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है इस प्रकार का, इसलिए मैं नो कर दूंगा, ठीक है, और सॉरी नो कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका एडिशनल कैटेगरी, ठीक है। एडिशनल कैटेगरी में आप डिपेंडेंट ऑफ डिसीज पुलिस पर्सनल, यानी कि आप किसी मृतक के आश्रित हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको चरित्र सत्यापन देना है, व्हेनर योर FIR हैज बीन एवन लॉन्ग सेक्शन, कि आपके खिलाफ कभी भी प्राथमिकता दर्ज की गई है, ठीक है, प्राथमिकता दर्ज की गई है, ठीक है, तो आपको यस करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। मेरे खिलाफ नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, ठीक है। नो करने के बाद आप चीज आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके तुरंत बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद आप लोग को क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे डालना, ठीक है। क्वालिफिकेशन के लिए देखिए यहाँ पे इनकेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्वालिफिकेशन, तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग को राइट करना पड़ेगा। इन्होंने बोला हुआ है कि यदि आप लोग के पास जो रिकॉर्ड है, ठीक है, अपनी क्वालिफिकेशन, उसमें आपका जो है जो क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड अगर आप लोग के पास नहीं है, ठीक है, नंबर्स वगैरह, तो आप यहाँ पे इनको फोटो स्टेट वगैरह भेजनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको एक काल्पनिक डाटा यहाँ पे डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद फोटो स्टेट वगैरह भेजनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको राउट करने करना, ठीक है। आप नीचे आइए, नीचे आने के बाद अब आप लोगों को क्या है यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड, देखिए 8th स्टैंडर्ड में आप लोग के पास क्या थी, हिंदी इंग्लिश मैथ, ठीक है, हिंदी जो भी सब्जेक्ट आपके पास था, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस संस्कृत जो भी था, आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद आपने जिस बोर्ड से किया है, ठीक है, जिस बोर्ड से किया है, जिस स्कूल से किया है, जिस संस्थान से किया, चाहे आपने किसी गवर्नमेंट स्कूल से किया, प्राइवेट स्कूल से किया, बोर्ड से किया, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद जो भी आपका रोल नंबर मार्कशीट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे आना, नीचे आने के बाद देखिए आप लोग को CGPA मिला था, ग्रेड मिली थी, परसेंटेज मिली थी, यानी कि आपके जो नंबर आए थे वो परसेंटेज में आए थे, 10%, 20%, 50%, या फिर कोई ग्रेड मिली थी ABCD, ठीक है, या फिर CGPA जो भी 5 CGPA, 6 CGPA, 7 CGPA जो भी थी, ठीक है, उस पर क्लिक कर देंगे। तो मेरा परसेंटेज था, मैं परसेंटेज पे क्लिक कर दूंगा। किस ईयर में आपने पास किया था वो आपको मार्कशीट पर मिल जाएगी, ठीक है, उस ईयर को आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद जो भी परसेंटेज थी, जो भी ग्रेड थी, ग्रेड थी तो ABC लिख देंगे, परसेंटेज है तो परसेंटेज लिख देंगे, CGPA है तो 1, 2, 3, 5, 6 जो भी है वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेकेंडरी इक्विवेलेंट, यानी कि 10th मतलब हाई स्कूल। हाई स्कूल में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थे वो यहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी थी आप लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद वही चीज दोबारा लिखनी है, किस बोर्ड से की है, किस स्कूल से की है, या फिर किस संस्थान से की है, जहां से भी की है वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और जो रोल नंबर है वो आपकी मार्कशीट के पीछे लिखी पड़ी हुई, ठीक है, मार्कशीट सर्टिफिकेट के पीछे लिखी होगी, वो यहाँ पे डाल देंगे रोल नंबर। और रोल नंबर के बाद आप लोगों को जिससे भी की है, परसेंटेज आया थी, आपकी ग्रेड आया था, कि CGPA मिला था, जो भी मिला था यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद किस ईयर में आपने किया वो ईयर यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आपकी जो परसेंटेज आई है, ग्रेड आई है, जो भी आई है, ठीक है, CGPA आई है, वो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट, यदि आप लोगों ने इंटर कर रखी है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। मैंने कर रखी तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दिया है, किस बोर्ड से किया है, स्कूल से किया है वो डाल दिया। इसके बाद मैंने रोल नंबर डाल दिया अपना, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज थी मेरी तो मैंने परसेंटेज डाल दी, जो भी आपकी है वो डाल दीजिएगा। किस ईयर में किया वो ईयर डाल देंगे, ठीक है। और कितनी परसेंट आई है, CGPA आई है, या फिर कोई ग्रेड आया तो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए आपको कभी डिबार्ड किया गया, यानी कभी बहिष्कृत किया गया है किसी एग्जाम से, किसी बोर्ड से, ठीक है, किसी एग्जाम को देते हुए कोई अनुचित साधन का प्रयोग किए करते हुए देखा गया तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आप लोगों को किस आयोग से किया गया, ठीक है, उस आयोग का नाम लिखेंगे, RPSC से किया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से, या राजस्थान के किसी दूसरे उससे किया गया, या फिर अदर से किया गया, ठीक है, किसी दूसरे स्टेट वगैरह से किया तो आप यहाँ से अदर कर देंगे, ठीक है। और इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑर्डर नंबर जो होगा वो देना पड़ेगा, ऑर्डर डेट देनी पड़ेगी, परीक्षा का नाम देना पड़ेगा, परीक्षा की तिथि देनी पड़ेगी, और पीरियड देनी पड़ेगी, कब से कब तक आपको डिबार्ड किया गया, यानी कि कब से कब तक आपके ऊपर रोक लगाई गई थी। यदि ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। तो इसे नो ही रहने दे, तो मैं ज्यादा इसे बेस्ट समझता हूँ, ठीक है। तो इसे करने के बाद आप लोगों को सीधे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
तो फ्रेंड्स इसके तुरंत बाद आप लोग देखेंगे कि आपका ये आइडेंटिफिकेशन है, एनक्लोजर यहाँ पे डालना पड़ा, ठीक है। आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बारे में देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि साइज जो है फोटो का वो 50 KB से 100 KB के बीच का ही होना चाहिए, ठीक है। और जो फोटो है वो JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार का सिग्नेचर जो है वो 20 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए और जो JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप सबसे पहले फोटो अपलोड कर देंगे, ठीक है। जहां भी आप लोगों ने फोटो रखा होगा वहां पे आप लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने फोटो निकाल दिया, इसी प्रकार से अपना फोटो अपलोड कर देंगे। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर पे क्लिक करना, ठीक है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर है, वहाँ सिग्नेचर पे क्लिक कर देंगे। सिग्नेचर पे क्लिक करने के बाद देखिए फोटो सिग्नेचर आपका आ चुका है। यहाँ पे आपको बॉडी मार्क देना है, यानी कि बॉडी पे आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई मार्क्स हो, ठीक है, कटेगा चलेगा कोई परमानेंट निशान हो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। देने के बाद आप लोग इसी यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसके बाद ये आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू आ गया, ठीक है। यानी कि आपका एप्लीकेशन अभी भरा चल चुका है, ये केवल पुराने पुराने, यानी कि अभी अभी जो है एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। जनरेट तभी होगा जब आप पैसे जमा कर देंगे इसमें, ठीक है। जो आपकी फीस है वो जमा हो जाएगी, तो अभी आप इसकी इसका एप्लीकेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपना पूरे एप्लीकेशन को पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, आपने जो आवेदन किया है वो ठीक ठीक भरा है कि नहीं भरा, ठीक है। पूरा अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे, पूरा अच्छी तरीके से, कहीं कोई दिक्कत ना रह जाए, ठीक है, किसी भी प्रकार की। तो ये सब कुछ होने के बाद यदि आप लोगों को अपडेट करना है, अपडेट करना है मतलब कि यहाँ पे पहले घोषणा पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर आप लोगों को अपडेट करना है कि यानी कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसके अंदर, मैंने नंबर गलत डाल दिए, कुछ चीज गलत डाल दी, ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके आप इसे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पे फी पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो देखिए डू यू वांट टू पे फी, तो यहाँ पे ओके करेंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स इसके तुरंत बाद आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका जो भी है, देखिए मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ जो कि मैं अदर स्टेट से भर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फीस जमा करनी देखिए 400 रुपये, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी की है उनको 400 देनी है, चाहे आप राजस्थान से हो चाहे अदर स्टेट से हो, ठीक है। अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको तो जनरल में काउंट किया ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं, देखिए सामान्य आर्थिक ओबीसी अन्य ओबीसी या फिर एमबीसी वर्ग से हैं तो आपको 400 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और शहरिया आवेदक हैं तो आपको 350 रुपये, और इसके अलावा तो यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग और एनबीसी वर्ग जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनको 350 रुपए यहाँ पे जमा करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फीस देख लेंगे, जैसे जैसे आपने अप्लाई किया होगा आपको यहाँ पे फीस आ जाएगी, ठीक है। मेरे को 400 रुपए जमा करने, क्योंकि मैं जनरल से हूँ, अदर स्टेट से हूँ, तो यहाँ पे पे फी पे आप लोग क्लिक कर देना है। इफ यू वॉन्ट टू पे क्लिक ओके, यस डू नॉट रिफ्रेश ओके। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ से आप लोग की पेमेंट करनी है, ठीक है। पेमेंट के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले नेट बैंकिंग है, ठीक है। यदि आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना जानते हैं तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे आना है बैंक पे, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट बैंक पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जिस बैंक से आप नेट बैंकिंग जानते हैं, ठीक है, जिस बैंक में आपकी नेट बैंकिंग है उस बैंक को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो PNB हो, SBI हो, विजया बैंक हो, कोई भी बैंक हो, ठीक है, सेलेक्ट करके आप वहाँ नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर देंगे, ठीक है। और यदि आप लोगों को नेट बैंकिंग नहीं आती है, आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह है, ठीक है, तो आपको यहाँ एग्रीगेटर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एग्रीगेटर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करने है, ठीक है। तो एयरपे पेमेंट है, ABS पावर या फिर कोटेक बैंक पेमेंट, ठीक है, आपसे कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एयरपे पेमेंट गेटवे पे क्लिक करके यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे पेमेंट देख सकते हैं, जो भी मतलब चार्जेस वगैरह हैं, ट्रांजेक्शन वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, सीधे पे नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट, Amazon या फिर फोन पे, ठीक है। किसी पेमेंट में जैसे क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो, ठीक है, आप उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग कुछ लिखना, जो भी आपका कार्ड नंबर है वो कार्ड नंबर यहाँ पे देंगे, ठीक है। कार्ड होल्डर का जो भी नेम है आप वहाँ पे ये दे देंगे, ठीक है। कार्ड होल्डर का नेम देने के बाद आपको एक्सपायरी डेट देना होगा, जो कि कार्ड पे लिखा होता है, ठीक है। जो भी एक्सपायरी डेट हो एक्सपायरी डेट दे देंगे, और CVC जो कार्ड के पीछे लिखी होती है, जो नंबर CVC नंबर होता है, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर होता है, नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ करने के बाद आप लोग यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप अपने पास सेव करके रख लेंगे, ठीक है, अपने पास PDF रूप में कहीं भी सेव करके इसे रख लेंगे आगे के यूज के लिए। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है ऑनलाइन कांस्टेबल का, राजस्थान कांस्टेबल का जो ये फॉर्म भरा जा चुका है, ठीक है। अभी आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, यदि कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछते रहिएगा, मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जाने से पहले मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, यदि मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यार वीडियो को लाइक जरूर करना और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आप वीडियोज बनाता रहूंगा, क्योंकि इसमें आप आगे कई प्रकार के वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। रिटेन से संबंधित हो चाहे फिजिकल से संबंधित हो, तो आप लोगों को उसकी जरूरत पड़ती रहेगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।